नमस्कार दोस्तों, मैं वीनू सिंह और स्वागत करता हूं आपका लूम सोलर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 6 किलोवाट सोलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं और उन कंपोनेंट्स का प्राइस क्या क्या है, 6 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत क्या है, 6 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों हम मौजूद हैं इस टाइम सिरसागंज में और यहाँ पे ये जो घर है ये प्रवीण प्रताप सिंह जी का है, जिन्होंने अपने घर पे 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है और ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस सोलर सिस्टम में प्रवीण प्रताप सिंह जी ने क्या क्या लगाया है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये एक टीन शेड के ऊपर, मैं आप देख सकते हैं मैं टीन शेड के ऊपर खड़ा हूँ और ये पूरा जो सिस्टम है 6 किलोवाट का ये टीन शेड के ऊपर में लगा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है हमारे कस्टमर श्री प्रवीण प्रताप सिंह जी। प्रवीण जी स्वागत है आपका लूनसोलर के यूट्यूब चैनल। नमस्ते प्रवीण जी, आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे हम। मेरा नाम प्रवीण प्रताप सिंह है, मैं सिरसागंज का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से 20 साल से रह रहा हूँ। तो सर आपका किस चीज का व्यवसाय है? पोटैटो कोल्ड स्टोरेज है, आलू जिसमें भंडारण होता है उसे कोल्ड स्टोर। तो इस जगह पे आपको सोलर लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी? यहाँ बिजली की बहुत कटौती रहती है, इसलिए हमने बैटरी बैंक वाला ऑफ ग्रिड सोलर लगाया है। दिन में कितने घंटे बिजली कटती है यहाँ पे? 4 घंटे कट जाए, 6 घंटे कट जाए, कोई टाइम टेबल नहीं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी कटौती बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजली की क्या स्थिति है। 2-4 घंटा तो मतलब इस इलाके के लिए नॉर्मल है। तो हम समझ सकते हैं कि बिजली की कटौती के चलते आपने यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया, लेकिन 6 किलोवाट लगाने के पीछे क्या रीजन था? 6 किलोवाट के पूरे घर का लोड चलता रहेगा, घर का और एक एसी भी चलती रहेगी। ओके, आप हमें बताना चाहेंगे कि कितना कंजप्शन है आपका डेली कंजप्शन? हमारे यहाँ 3 एसी और पूरे घर का लोड मिला के सब 20-25 यूनिट है, लेकिन इसमें से मैं कुछ सोलर पर चला रहा हूँ, 1 एसी और बाद बाकी का घर का पूरा लोड। तो अभी सोलर लगाने के बाद आप संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल 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 संतुष्ट हैं। अभी इतना गर्मी नहीं पड़ रहा है, उस हिसाब से एसी तो नहीं चल रही है, लेकिन पूरा घर का लोड चल रहा है, ऑन ऑफ ग्रिड कर दिया गया है, बिल्कुल सोलर से ही चल रहा है 24 घंटे भी पूरा। अभी पूरे घर का लोड 24 घंटे चल रहा है, जिसमें सब कुछ पानी की मोटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और प्रेस वगैरह सारा कुछ सोलर से ही हो रहा है 24 घंटे। तो आपका जो 6 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसके अंदर आपने क्या क्या कंपोनेंट लगाए हैं वो बताएंगे? 375 की लूम सोलर की मोनो पैनल के 16 पैनल हैं। ओके, इसमें 8 बैटरियां लगी हुई हैं। ओके, एक 7.5 KVA का इन्वर्टर है PCO। तो सर हम जानना चाहेंगे कि 6 किलोवाट सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने में आपको टोटल कितना खर्चा है? 5 लाख के आसपास मान के चलिए खर्चा है। ओके, विद फिटिंग सारा कुछ इंस्टॉलेशन? हाँ, विद इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ऊपर सोलर से ये वायरिंग आ रही है और अरे जंक्शन बॉक्स के अंदर, और यहाँ से जो है ये 2 वायर्स के थ्रू जो है ये आपका PCU में जा रहा है। ये आपका PCU है 7.5 KVA का, आप देख सकते हैं। इस टाइम पूरे घर का लोड जो है सोलर से चल रहा है, हमने ग्रिड बंद कर रखी है, ग्रिड आप 0 देख सकते हैं। अभी जो जनरेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैनल वोल्टेज आप देख सकते हैं 143.2 वोल्ट है और ग्रिड यहाँ पे 0 है बिल्कुल, क्योंकि ग्रिड बंद कर रखी है। आउटपुट वोल्टेज आप देख सकते हैं, बैटरी चार्जिंग 16.47 एम्पियर एंड पैनल वोल्टेज 142, पैनल करंट 26.15 एम्पियर एंड 16 किलोवाट 246। ये ACDV बॉक्स है। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इंस्टॉलेशन यहाँ पे की गई है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर श्री प्रदीप कुमार जी के द्वारा की गई है। प्रदीप जी, ये ऑर्डर आपको कैसे मिला था? देखिए असल में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वर्कमिंग हैं, तो सिरसागंज थोड़ा सा ये है जिला फिरोजाबाद के अंदर आता है, और इनसे हमारी बातचीत हुई, इनको सोलर की रिक्वायरमेंट थी जी, और इनसे हमारी बातचीत हुई और देन हमारा फाइनल हो गया। ओके, तो
आपने ये जो सिस्टम लगाया है ये पूरा टीन शेड के ऊपर लगाया है, तो इसको लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। और आपने इसकी इंस्टॉलेशन किस प्रकार से की है यहाँ पे? यहाँ पे 8 पैनल लगाए हुए हैं और मैंने इसमें 4-4 पैनल का सीरीज बनाया हुआ है। ओके। और 4 पैनल की सीरीज बना करके सीधा नीचे अरे जंक्शन बॉक्स में लगाया हुआ है। अरे जंक्शन बॉक्स से सीधा वो कनेक्ट होकर के पैरेलल में हो जाती हैं 4 सीरीज। ठीक है, इधर दो सीरीज इधर हैं और दो सीरीज इस साइड में है। ओके। टोटल 16 पैनल लगे हुए हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है 16 पैनल लगे हुए हैं, 8 पैनल इस तरफ हैं, 8 पैनल इस तरफ हैं। इन्होंने 4-4 की सीरीज में इन पैनल्स को लगाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने काफी मजबूती से इसको फिक्स किया हुआ है। ये जो पाइप है, पाइप के थ्रू जो है इस सीरीज में जो वायर आ रही है ये पाइप के थ्रू नीचे जा रहा है। 8 पैनल्स उस तरफ हैं, 8 पैनल्स इस तरफ हैं, 4-4 की सीरीज में जो है इन्होंने इसको निकाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइप के थ्रू यहाँ से नीचे जा रहा है। हाँ जी, ठीक है। सोलर इन्वर्टर नॉर्मली 1 किलोवाट इन्वर्टर अगर हम मार्केट से परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग करीब 7,000 से 8,000 रुपये पड़ती है। और 6 किलोवाट के सिस्टम के साथ में अगर आपको पीसीयू की ज़रूरत है तो वो 7.5 KVA का पीसीयू आता है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं ये 7.5 KVA का पीसीयू है और इसकी कॉस्टिंग आप 65,000 से 70,000 रुपये की बीच में आती है। मार्केट में दो तरह से बैटरीज मिलती हैं सोलर सेक्टर की, C10 रेटिंग में जो आती हैं, उसमें 3 ईयर और 5 ईयर। तो 3 ईयर बैटरी जो है वो तकरीबन कॉस्टिंग आती है उसकी 13,000 से 14,000 रुपये की। टोटल 8 बैटरीज की कॉस्टिंग की अगर बात करें तो 8 बैटरी के लिए आपको 1 से 1.25 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से सोलर को किस प्रकार देखते हैं आप? एक तो बिजली की का बिल कम करने के लिए भी है, गर्मी बढ़ रही है, मौसम के हिसाब से इस प्रकृति ने जो दिया उसको भी ग्रहण करने के लिए जब टेक्नोलॉजी बनी हुई है तो उसका यूज़ करना चाहिए हमें। उस दृष्टि से भी हमने अपना खर्चा कम करने के लिए भी एक सोलर लगाया है। हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सोलर लगना चाहिए जिससे देश की एनर्जी को सेव किया जा सके और अपना बिजली की बचत की जाए और अपना दिनचर्या भी सही रहती है, कोई टेंशन नहीं रहती कब लाइट जाएगी कब आएगी। तो प्रवीण जी आपने अपना कीमती समय हमको दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।